हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूँ अनिमेश। पिछले वीडियो में मेरे साथ प्रदीप जी थे और हमने थाई टेंपल घूमा था। आज मैं जो जगह घुमाने वाला हूँ ये उससे भी बहुत सुंदर जगह है। बनारस या सारनाथ में अगर आप आते हो तो आपने बनारसी सिल्क साड़ी का बहुत नाम सुना होगा। बनते हुए कभी आपने नहीं देखा होगा, आज हम उसको बनते हुए देखेंगे। क्या ये दलाई लामा आठ गैलरी? अच्छा, सारनाथ आठ गैलरी, दलाई लामा सारनाथ आठ गैलरी। ठीक है, मेरे साथ में ही। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं, और उनका कहने का मतलब कुछ जब बता रहे हो तो पूरा बताओ डिटेल में, इसलिए वही बोल रहे हैं। दलाई लामा का नाम ले लिया तो उनको बोल रहे हैं कि दलाई लामा आठ गेल, दलाई लामा सारनाथ आठ गेल। अच्छा, ऐसे वो बोल रहे हैं। अच्छा, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूँ अनिमेश। आज के इस वीडियो में मैं फिर से प्रदीप जी के साथ हूँ और अभी मैं जहाँ पर हूँ, पिछली वीडियो में मैं था थाई टेंपल में और थाई टेंपल से जस्ट अपोजिट साइड रोड क्रॉस करके अभी मैं हूँ सारनाथ दलाई लामा आर्ट गैलरी। यहाँ पर बनारसी सिल्क एक्चुअली में बनती है और हम बनते हुए देख सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। इसी प्रकार से पूरे गांव में बनाया किया जाता है। एक होता है पॉलिन जिसे इलेक्ट्रिक द्वारा चलाया जाता है, ये हैंडलूम होता है, इसे हाथों से ही चलाया और बनाया जाता है। एक साड़ी तैयार करने में 10 से 15 दिन हम लोग पकड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये सिल्क के धागे होते हैं जो इलेक्ट्रिक वाले में चल नहीं पाते, ये सिल्क के धागे होते हैं, इसलिए इतना समय लगता है बनाने में। पहले होता है ग्राफ होगा, उसके बाद होता है ये पंचकार्ड। पंचकार्ड में जो होल है वो डिजाइन होल है ना, ये डिजाइन है, ये मेरे जकार्ड मशीन पे जाता है और पैर से पैटर्न दबाते हैं। जब ये पैर से पैटर्न दबाते हैं तो यहाँ पे गैप आ जाता है, तब यहाँ पे जो है तो बॉबिन चलती है। जय किसी का होल रहेगा तय बॉबिन चलेगी, जय किसी का होल रहेगा तय बॉबिन चलेगी हैंडलूम में। और हैंडलूम में जो भी कपड़ा बनता है सीधा नीचे को होता है, उल्टा ऊपर होता है, जैसे ये लगा है ना। अब इसका बैक साइड अभी किसी तरह ये जो साड़ी बन रहा है इसका भी सीधा नीचे को है, इसका सीधा नीचे है, ये उल्टा है। अब देखिए वह है ना, पंचकार्ड में होल है, ये पैर से पैडिंग दबाए, देखिए यहाँ पे गैप हो गया, देख रहे हैं पैर से पैदल दबाएंगे। मतलब तीन किस्म का होल चल रहा है, आपको देखने में एक दिशा होल हो रहा है लेकिन तीन बॉबिन देखिए चल रही है, काट चल रहा है ना, या काट मशीन से काट चल रहा है, यह सब मेरे हाथ का। इसे कहते हैं बुद्धि यंत्र, इसमें साउंड आता है ओम और साथ ही साथ इसमें वाइब्रेशन जाता है। साउंड हमें फोकस करने में सहायता करता है और वाइब्रेशन या बॉडी को स्वस्थ रखने में आसान करता है, अपने आप से परिचय करता है ये यंत्र। तो आज का वीडियो यही तक। अगर आप सारनाथ आते हो तो ये जगह इज अ मस्ट विजिट। यहाँ पर आप बनते हुए भी देख सकते हो सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के हैंडीक्राफ्ट्स। आप ऐसी और जगह मैं घूमता रहूँगा, वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग विथ मी एंड दिस टाइम विथ प्रदीप जी एज वेल। चीयर्स।